नमस्कार दोस्तों, मैं लीना आपके अपने चैनल लीना किचन स्वागत करती हूँ। तो काफ़ी लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान काफ़ी लोगों को सही पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोमवार के व्रत में आप शाम को क्या खा सकते हैं, पूरे दिन में क्या खा सकते हैं, सुबह क्या खा सकते हैं। तो व्रत में अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं जो केवल पानी पर व्रत रखते हैं और वही सबसे ज़्यादा सही व्रत माना जाता है, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो ओनली सिर्फ बस केवल पानी पर ही व्रत रखते थे और दूसरी कोई भी चीज़ नहीं खाते थे, जिससे कि मन शांत रहता है और क्रोध की भावना नहीं होती है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनमें इतनी शक्ति नहीं है, तो इस वजह से आप सोमवार के व्रत में अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो बिना नमक के और बिना कुछ खाए व्रत रखे तो उसकी पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमें सोमवार के व्रत में, जो लोग व्रत रखते हैं वो तो कुछ भी खा सकते हैं, जैसे व्रत के दौरान खाने वाली चीज़ों को भी खा सकते हैं। जो एक समय भोजन करते हैं उनमें जो तामसिक सब्जियां होती है जैसे गोभी, बैंगन इत्यादि, ये सब सब्जियां हैं, उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं और बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना चाहिए सोमवार के दिन। तो व्रत में अगर आप, जो लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो कि नारियल पानी या चाय के साथ कुछ मखाने खा सकते हैं और कुछ हेल्दी खाने के लिए कुट्टू के आटे की बनी हुई रोटी, कद्दू की सब्जी, सलाद, इन सब चीज़ों का और एक गिलास दूध या सेब भी खा सकते हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर हम शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में यानी 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए और सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। और सोमवार के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, लेकिन काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि कई लोगों को बीपी जैसी बीमारियों की समस्याएं होती है, तो ऐसे में सादे नमक की बजाय सेंधा नमक खा सकते हैं। सावन सोमवार में प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, यह चीज़ें तामसिक होती हैं और व्रत में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो ये थी, और साथ ही साथ जैसे सोम जो चीज़ भगवान भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे सोमवार के व्रत में हमें एक बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेल का जूस नहीं पीना चाहिए, और सोमवार के दिन दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो दूध का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी दो। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि सोमवार के व्रत में दूध पी सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी महिलाएं जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सोमवार का व्रत रखती हैं। तो जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती है या कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं तो वो दूध का सेवन कर सकती या नहीं कर सकती, तो इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो सोमवार के व्रत में कच्चा दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप इसे उबाल कर पी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके सोमवार के व्रत में आपको दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है, तो जिस फल या फिर जिस चीज़ को आप भगवान को चढ़ाते हैं उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप उसका दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, लेकिन आप स्वयं उसका सेवन नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप कच्चा दूध शिवजी को चढ़ता है इसलिए भी नहीं पीना चाहिए, और दूध का सेवन सोमवार के व्रत में वर्जित माना गया है। तो आप जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसमें आलू का सेवन कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अब सोमवार के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्रत या उपवास किया जाता है उसमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूध के साथ साथ आपको सोमवार के व्रत में दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं वो तो व्रत के दौरान तो सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जो लोग उपवास रखते हैं उपवास में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते, इस वीडियो में आप
आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। और साथ ही साथ कड़ी भी क्यों नहीं खाते, क्योंकि सावन में कई खान पान की चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है, जिससे जिसके पीछे न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आइए जानते हैं कि हम सावन में बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो गया है। मान्यता है कि सावन माह के दौरान कुछ चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। अब कौन सी चीज़ें जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? एक तो सावन में कड़ी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का कारण कड़ी में पड़ने वाली सामग्री है। जैसे कड़ी में दही का इस्तेमाल किया जाता है और दही सावन के दौरान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, इसलिए कड़ी सावन में नहीं खानी चाहिए। हालांकि इसका वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। विज्ञान कहता है कि सावन में मौसम बदलता है, सावन में बरसात होती है, मौसम ठंडा हो जाता है, ऐसे में ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दही भी ठंडा होता है और वह आपको बीमार कर सकता है, इसलिए सावन में कड़ी खाने से बचना चाहिए। अब दूसरी बात जो मेन पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि सावन में बैंगन भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ब्रिंजल इन सावन। सावन में बैंगन इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि इसमें जीव होता है। बैंगन में बारिश के दौरान कीड़े पैदा हो जाते हैं, धार्मिक दृष्टि से जीव हत्या का पाप कहलाता है। वही साइंस में यह स्वास्थ्य के हिसाब लिहाज से भी उचित नहीं है। और सावन में जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट है वो भी नहीं खाने चाहिए। जैसे सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो कच्चे दूध को भी और दही को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप पूजा करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट को नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि बारिश में डेयरी प्रोडक्ट हेल्थ खराब करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट खाने से शरीर में वायु बढ़ती है और वायु बढ़ने से पेट में उल्टी, कब्ज, दस्त आदि ये सब परेशानी होती हैं। सावन में डेयरी प्रोडक्ट को खाने से बचने और सावन में नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव को मांसाहार का भोग सिर्फ तांत्रिक लगा सकते हैं। गृहस्थी शिव जी को सात्विक भोग लगाते हैं, सात्विक ही खाते हैं। वही साइंस कहता है कि मांसाहार खाना, तला भुना खाना, मसालेदार खाना सावन में अच्छा नहीं होता। बारिश में ऐसा खाना पेट से जुड़ी बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए सावन में मांसाहार खाने से भी परहेज करना चाहिए। आप भी सावन के दौरान इन सब चीज़ों का खाने से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और सावन सोमवार के व्रत में काफ़ी महिलाएं व्रत और उपवास रखती हैं। तो सावन सोमवार के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती हैं या नहीं धो सकती हैं? कई जगह प्रमाणित माना गया है कि अगर हमारे शास्त्र बात करें तो महिलाओं को बाल धोने के कुछ निश्चित नियम बताए गए हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, इन दो दिनों के अलावा एकादशी के दिन भी बाल धोना वर्जित माना गया है। तो इसी के साथ ही सावन सोमवार के व्रत में महिलाएं बाल धो सकती हैं। शिवरात्रि के व्रत में भी महिलाएं बाल धो सकती हैं, क्योंकि माना गया है कि बाल खुले रह कर ही भगवान भोलेनाथ की, जैसे बाल सिर धोकर ही, बाल खुले रखकर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और सिर धोना सही माना गया है सावन सोमवार व्रत में। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी व्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कि सोमवार के व्रत में क्या सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है और इस बार शुक्ल पक्ष के महीने कार्तिक मास में बहुत ही शुभ महीना है और सबसे पवित्र महीना है। और सोमवार का व्रत जो लोग करते हैं वह व्रत के दौरान सेंधा नमक यूज़ में करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवाज रहता है कि काफ़ी लोग ये रहते हैं, जैसे राजस्थान की तरफ हम जाते हैं तो सेंधा नमक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, यूपी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर मीठा भोजन खाते हैं व्रत के अंदर, जो भी जैसे दही बूरा वगैरह ये सब खाते हैं। लेकिन जहाँ जिन जिन जगहों पर सोमवार का व्रत किया जाता है, जैसे 16 सोमवार का व्रत करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है और काफ़ी लोग हैं जो सोमवार का व्रत रखते हैं। तो व्रत के दौरान काफ़ी लोग तो व्रत मतलब एक समय भोजन करते हैं और काफ़ी लोग उपवास भी करते हैं, यानी एक समय फलाहार करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं, जो एक समय भोजन करते हैं, वह नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो उपवास करते हैं, एक समय फलाहार करते हैं, मतलब
व्रत का खाना बनाते हैं तो उसमें सेंधा नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो किसी भी व्रत के दौरान, उपवास के दौरान किसी भी तरह के नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना त्याग आप अपने शरीर के लिए करते हैं उतना ही समर्पण भाव से आपकी भक्ति प्रकट होती है। और अगर आप उपवास रखते हैं तो इसके दौरान आपको बिल्कुल भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी काफ़ी लोगों का मतलब कमेंट आते हैं कि हमारा बीपी लो हो जाता है तो क्या हम उसकी जगह सेंधा नमक कर सकते हैं। तो जहां आपकी सेहत का सवाल होता है वहां पर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।